नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल और प्रस्तुत हैं आज के समाचार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी हुई है, जिसके बाद जवानों ने इलाके को घेर लिया है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कंडी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ चल रही थी। 28 आरआर और एसओजी की टीम ने मोर्चा संभाल लिया था। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई है। दो जवान और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गए हैं। 3 साल के बच्चे से दुष्कर्म के मामले में बारामूला श्रीनगर हाईवे पर मीरगुंड इलाके में हिंसक प्रदर्शन के दौरान गंभीर रूप से घायल एक युवक ने इलाज के दौरान श्रीनगर अस्पताल में दम तोड़ दिया है। सुरक्षा बलों के साथ हिंसक प्रदर्शन में युवक अरशद अहमद डार को सर में चोट लगी थी। इस बीच हिंसा की आशंका में प्रशासन ने वीरवार को सुंबल तहसील के कई इलाकों में पाबंदियों की घोषणा कर दी है। वहीं जम्मू में बच्ची से दुष्कर्म के मामले को लेकर एससी और ओबीसी ने किया धरना प्रदर्शन। खनवाल गांव के एक युवक रेलगाड़ी के नीचे आने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शाम को जम्मू से कठुआ की ओर जा रही डीएमयू जैसे ही सांभा रेलवे स्टेशन पर रुकी तो खनवाल निवासी मोनू पुत्र जगतार सिंह का रेल से उतरते समय पांव फिसल गया। वह रेल के नीचे आ गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नगर पालिका को स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 वाहन उपलब्ध करवाए गए थे, जो शौचालय से लैस हैं। ऐसे में एक वाहन को आग लग गई। नगर पालिका के अधिकारियों ने थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक पुलिस इसकी गुत्थी सुलझाने में विफल रही है। नगर पालिका चेयरमैन पवन कोहली ने बताया कि एक वाहन की कीमत करीबन 5 लाख रुपए है। उसमें ना तो पेट्रोल है और ना ही शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जिला अस्पताल में सुविधाएं ना होने से लोगों में रोष बना हुआ है। दर्जा तो जिला अस्पताल का है, लेकिन स्टाफ उप जिला अस्पताल से भी कम है। थोड़ी सी बीमारी होने पर मरीज को जम्मू रेफर कर दिया जाता है। इसी सिलसिले में सामा ब्लॉक के सरपंचों व पंचों ने बुधवार को जिला अस्पताल का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली। केएस ऑफिसर सुशील अत्री की मौत की जाँच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। इसके इंचार्ज एसपी साउथ विनय शर्मा को बनाया गया है, जिसमें कुछ और अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। बुधवार को अफसर के शव को डॉक्टर के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। इस मौके पर एसआईटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। रियासत में अमरनाथ के साथ मानसून की पहुंचने की उम्मीद है। जुलाई के पहले हफ्ते मानसून दस्तक दे रहा है। यात्रा के लिए मानसून चुनौती रहता है। पारंपरिक बालटाल और पहलगाम ट्रैक पर कई बार मौसम खराब रहने से यात्रा में खलल पड़ता है। हालांकि मौसम की सटीक जानकारी लेने के लिए यात्रा के दौरान अनाधिक मौसम यंत्र स्थापित किए जाएंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेस, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन डिजाइनर सूट साड़ीज लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप पक्का गराड जम्मू, Friends Toys, visit for all kinds of toys for all age group, Sanjay Nagar, Jammu. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्षेत्र के गांव जोड़िया में भूमि को लेकर एक ही कुंबे के 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उप जिला अस्पताल बिश्नाह में भर्ती करवाया गया। इनमें गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार देने के लिए जीएमसी रेफर कर दिया गया है। घायलों की पहचान बोधराज साठ पुत्र करतार चंद व उनकी पत्नी विमला देवी तथा बेटा विपिन कुमार शामिल है। देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अभी ताजा मामला जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह का है। यहां गुरुवार को गोतस्करी की अफवाह पर बवाल मच गया। इस दौरान जमकर हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल है। पुलवामा में दक्षिण कश्मीर के दलीपोरा इलाके में गुरुवार तड़के भयंकर मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 3 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की है। उनका शव भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि अभी तक आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ स्थल से 4th शव भी बरामद किया गया है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि वे आतंकवादी हैं या कोई आम नागरिक। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल GMCNDH जम्मू क्षेत्र का प्रमुख अस्पताल अतिरिक्त 15 MBBS और 18 PG सीटें प्राप्त करने की संभावना है, जिसके लिए GMC द्वारा भारत सरकार को अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।
राज्य में खरीद भंडार आवंटन और एक कुशल हथियार और उपकरण प्रबंधन को सुचारू बनाने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर पुलिस एवं वेब आधिकारिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम IMS स्थापित करेगी। गांधरबल जिले के हैदर मैदान गुटलीबाग क्षेत्र में नए प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र में उचित व्यवस्था सुविधाओं के अभाव और चिकित्सा कर्मचारियों की उपलब्धता के खिलाफ गुरुवार को स्थानीय निवासी और परिचारक लोगों ने आरोप लगाया कि सुबह कोई भी डॉक्टर हैदरमंद गुटलीबाग में अस्पताल में मौजूद नहीं था। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तुरंत अस्पताल के प्रबंधक को बदलने के लिए कहा है। SDM RSpura जगदीश सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के पंचों व सरपंचों ने हिस्सा लिया। बैठक में बिजली विभाग के समक्ष मीटर लगाने को लेकर आ रही परेशानियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। SDM ने बताया कि कुछ पंचायतों में बिजली विभाग को मीटर लगाने के लेकर परेशानी आ रही है, जिसके चलते आज बैठक में इन सब मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। एकजुट जम्मू के प्रधान एडवोकेट अंकुर शर्मा ने प्रेस वार्ता की, सभी देशभक्त नागरिकों से अपील की कि वे हिंदुओं और किश्तवाड़ भद्रवाह रामबन और डोडा के अन्य अल्पसंख्यकों के रूप में खड़े हों जो इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों के हाथों संगठित मामले का सामना कर रहे हैं। एकजुट जम्मू अपनी किश्तवाड़ बंदी कॉल के लिए सनातक धर्म सभा किश्तवाड़ को अपना समर्थन प्रदान करता है। 1990 से एक सस्टेन्ड एफर्ट है इस्लामिक जिहादियों का, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ताकतों का, कि किस तरीके से वहां से हिंदू माइनॉरिटी को बाहर निकाला जाए, वहां से उनका पलायन करवाया जाए। जब तक आप इस जिहादी वॉर को एक वॉर फॉर्म की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप इससे नहीं लड़ सकते। आपने अपने लोगों को वहां अबेंडन कर दिया, आपने अपने लोगों का वहां पे साथ नहीं दिया। आज लोग वहां पे गोलियां खा रहे हैं, अपने मंदिरों पे हमले करवा रहे हैं, अपने ऑटो रिक्शा तुड़वा रहे हैं, अपनी दुकानों को जलवा रहे हैं। इस सब की जिम्मेवारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को लेनी पड़ेगी, खासकर उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो ये दम भरती हैं कि हम हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। एकजुट जम्मू की तरफ से आज ये भी हम डिमांड करते हैं कि जो विलेज डिफेंस कमेटी किश्तवाड़ रामबन भद्रवाह। सोपोर म्युनिसिपल काउंसिलर ने गुरुवार को पिछले 5 महीने से अपने वेतन का भुगतान नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया। इकबाल मार्केट सोपोर में जुटे सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। जिला विकास आयुक्त ने आज रचुकांड में एक दिवसीय सार्वजनिक आउटरीच शिविर की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने जनता की शिकायतें और मांगों को सुना। शिविर में ADDC, SPO, CMO, JKPCC के कार्यकारी अभियंता के अलावा जिले के अन्य अधिकारी और रजो और आसपास के क्षेत्रों के एक बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। सांबा जिले के गगवाल रघुचक जाने वाला बॉर्डर रोड पर रेलवे फाटक बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों ने रेलवे पटरियों पर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के साथ साथ बॉर्डर के कई गांवों के लोगों ने आकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर SDM गगवाल और SDC सांबा ने लोगों को शांत कराया और कहा कि आपकी समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। अगर इन्हें सीरियसली लेना होता तो जे साडा फाटक बंद गै नहीं होता, असें इसी मुल देइयै लेदा, मुल्ले आले ही बंद करा ते जेहड़ी इंदी अपनी जगह है रेलवे आले दी उत्थे कर ले करीब लैन बिछाई उड़गन ते अस मैहकमे कोल आइए अशोरेंस लैना चाहते हाँ भी तुसीं सानूं इन राइटिंग दिओ ते अस नहीं बंद करगे। साडी डिमांड है फ्लाईओवर करो, इत्थे 40 पिंडे का मसला है, 40-45 हज़ार आबादी रहिंदी। जम्मू कश्मीर राज्य के जिला रामबन के चंद्रकोट में तेंदुआ के आतंक से लोगों में खौफ है। वहीं पिछले कुछ दिनों में तेंदुआ ने चंद्रकोट इलाके में काफी ज्यादा नुकसान कर दिया है, जिसमें भेड़ बकरियों को मार डाला है। इसके अलावा आज सुबह एक युवती पर तेंदुआ ने हमला कर दिया, लेकिन वे बाल बाल बच गई, जिससे युवती खाई में जा गिरी, जिसके बाद उसे चारपाई में लेकर अस्पताल में ले जाया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस के अवसर पर जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक दिवसीय हैंडीक्राफ्ट सेमिनार का आयोजन किया। जम्मू पुलिस ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए PP न्यूज लाइन। जय हिंद, जय भारत।